कश्मीर की वादियां और कश्मीरियों पर अत्याचार, अमित शाह के तोहफे से होगा जन जन का उपचार। नमस्कार, मैं अभिनंद। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जहां कश्मीरियों में नई ऊर्जा भरने का काम किया, एक नए कश्मीर की परिकल्पना को साकार करने के पथ पर सफलता हासिल कर रहे हैं, तो वहीं मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को नया तोहफा दे दिया है। एक तरफ मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के बाद कश्मीरी युवाओं ने पत्थर छोड़ लैपटॉप को अपना लिया था, तो वहीं अब अमित शाह उन्हीं कश्मीरी युवाओं को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के राजौरी में जनसभा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पहले से प्रदेश में 3 परिवारों तक ही लोकतंत्र सीमित था, लेकिन अब इसमें 3,000 से अधिक लोग सीधे शामिल हुए हैं। यहाँ पंचायतों तक लोकतंत्र पहुंच गया है। इससे पहले उन्होंने पवित्र गुफा में पूजन अर्चना की और माँ भगवती से शांति और समृद्धि की कामना की। राजौरी में जनसभा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। आज मैं नवरात्र है, अंतिम दिन है, माता वैष्णो का दर्शन कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांग कर यहां आया हूं। मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया, लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे बक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। मित्रों, मोदी जी ने
5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 ए उखाड़ कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 ए न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि तीन परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार, इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी। अमित शाह मंगलवार की रात श्रीनगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 5 अक्टूबर को सुबह राजभवन में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे, जिसमें उपराज्यपाल के अलावा गृह मंत्रालय तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे बारामूला जाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही वह बोर्ड की ओर से कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। खबरें कहती हैं कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जब से मनोज सिन्हा बने हैं, तब से यहां कई समस्याओं का समाधान हुआ है। लोग नौकरी करने जा रहे हैं, स्कूल शिक्षा लेने जा रहे हैं, युवाओं ने पत्थर छोड़ लैपटॉप को अपना लिया है, नए नए अस्पताल खुल रहे हैं। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।